प्रभात के दोस्तों, मेरा नाम है आरजू और मैं ग्रेड 6 रिवरसाइड स्कूल में पढ़ती हूँ। आप ये टी शर्ट को तो पहचानते होंगे ना। तो आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी और वह कहानी का नाम है अंधा गीद। तो चलो शुरू करते हैं। एक बार एक अंधा गीद रहता था जिसके पास कुछ खाने का था नहीं, ना वो रहने की जगह ढूंढ पा रहा था। एक दिन वह उड़ते उड़ते एक पेड़ के नीचे उतरा और वह पेड़ पर जो भी पक्षियां रहती थी वह उसके आजू बाजू इकट्ठा हो गए और बोले, बेचारा गीद, एक तो अंधा है, कुछ खा नहीं पाता, ना वो रहने की जगह ढूंढ पाता है, क्यों ना हम इसको हमारे परिवार का भाग बना लें। पक्षियां मान गई कि हाँ, ये हमारे परिवार का भाग बन सकता है। गीद को ऊपर ले गए और बोला कि अभी आप हमारे परिवार का भाग हो, तो जब हम सबके लिए खाना लेने जाए तब तुम हमारे नन्हे नन्हे बच्चों का देखभाल करना। गीद मान गया। बहुत दिन गुजरे, अच्छा ख्याल रखता था। फिर एक दिन एक बिल्ली आई और वह बिल्ली ने नन्हे नन्हे बच्चों को देखकर भूख लगने लगी, पर जब उसने गीद को देखा तब वह डर गई। गीद ने तुरंत ही पूछा, यहाँ पे कौन है? बिल्ली ने बोला कि मैं बिल्ली हूँ, मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ। गीद बोला कि मैं, आप मेरे से डरते नहीं हो कि मैं आपको खा जाऊँगा? बिल्ली बोली कि मैं आपकी दोस्त हूँ, मैं आपको परेशानी में नहीं लाऊंगी, ना आप मुझे परेशानी में लाऊंगे। गीद मान गया कि हाँ, तुम मेरी दोस्त बन सकती हो। बहुत दिन गुजर गए और बिल्ली एक दो नन्हे बच्चे को खाती थी और उनके हड्डियाँ गीद के खड्डे के बाहर रखती थी। फिर एक दिन जब सब पक्षी आए तब उन्होंने देखा, अरे हमारे बच्चे कहाँ गए? और उन्होंने हड्डियाँ गीद के खड्डे के बाहर देखी। सब पक्षियाँ ने गीद को बाहर निकाला, मार पीट कर कहीं और बेच दिया और बेचारा गीद पूरी जिंदगी भूखे मारे रहा।